इनविटेशन की पहली कॉपी है। अंकल, मैं ना तो आपको, ना बाबा को, ना खुद को, किसी को भी पाप का भागीदार बनने नहीं दूंगी। आप तो स्कूल के टीचर रहे हैं, आपने स्टूडेंट को यही पढ़ाया होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। नो अंकल, दैट वन मस्ट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स वी हैव मेड इन द पास्ट। मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगी। अंकल, अगले महीने मेरी एंगेजमेंट है राजेश के साथ। मैं इसलिए नहीं राजी हूँ कि मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे को एक दिन किसी ने समझाया था कि इंडिया में रिश्तों के दायरे बहुत बड़े होते हैं, और शायद आज मुझे वो बात समझ में आ गई है। अंकल, अगर मैं कोई ऐसी वैसी हरकत कर बैठी तो कितनों को दुख होगा, और अगर मैं एक रिश्ता राजी खुशी कर बैठी तो कितनों को दुख होगा। सॉरी अंकल, शायद ये सब बातें करने के लिए मैं आपके सामने बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं इसीलिए ये सब कर रही हूँ जिससे कम से कम लोगों को दुख पहुंचे। क्यों अंकल, मैं ठीक कर रही हूँ ना? प्रणव, बाहर मनीषा अपनी एंगेजमेंट का कार्ड लेकर आई है। पापा जी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? पापा जी को क्यों देश दे रही हो तुम? हाँ, I'm sorry. हम लोग बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आनंद आज ठीक समय पर आ गया, वरना पता नहीं क्या। प्रणव, मैं तो बिल्कुल हैरान ही रह गई। उसने तुम्हें देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, और वो मुझे भी कैसे कितने प्यार से काजल भाभी कह के प्रणाम कर रहा था। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, ये जबरदस्ती की जो रिश्तेदारी है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा अपना परिवार छोटा था, एक भाई और आ गया। आनंद तुम्हारी सगी बुआ का बेटा है। मैं नहीं जानता बुआ को, कभी देखा नहीं उनको। उनके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो ब्रिजभूषण जवेरी के जो है भाई के साथ उनका अफेयर था, उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका बेटा है हमें परसों पता चला है। फूफा जी का नाम नहीं पता मुझे। But आनंद is still your cousin, प्रणव। I don't care. उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, तुम्हें बहुत इनोसेंट लगती होंगी, पर एक बात बताऊं, बस संभल के रहना। पागल हो गए हो क्या प्रणव तुम? हाँ, सिर्फ इसलिए कि उसके आने की वजह से तुम अपनी तलवारबाजी नहीं कर सके, तुम इतनी सी बात को लेकर उसे चिढ़ रहे हो? ना, मुझे उसकी शक्ल ही पसंद नहीं आई। तुम्हें आई हो तो तुम सेवा करा लो। मैं आनंद हूं। तुम्हारी जिंदगी के ऐसे ट्रेजिक मोड पर शायद मेरा नहीं लिखा था। तुम मनीषा होगी, मानव की एक बुआ थी, मैं उन्हीं का लड़का हूं। बहुत सुन चुका हूं तुम्हारे बारे में। किससे? मामा जी से। तुम इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो मेरी तरफ? डोंट वरी, मैं जानता हूं कि मेरी मां की कहानी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट तुम यहां इस हाल में नहीं होती अगर एनीवेज, मेरे नाम का मतलब है खुशी। एटलीस्ट शौक तो मत दिखो। तुम यहीं रहोगे? तुम्हें कैसे पता? तय करके तो नहीं आया था, पर फिलहाल यहीं रहूंगा। इनफैक्ट मामा जी तो कह रहे थे कि एक बेटा घर से गया, दूसरा घर आ गया। मुझे क्षणभर के लिए लगा कि तुम मानव हो। बहुत प्यार करती हो मानव से। आई एम सॉरी अगर मेरा ये कहना तुम्हें बुरा लगा तो।
एक्चुअली इन दोनों घरों की कहानियों में मैं ऐसे अचानक और ऐसे मोड़ पे एंटर हुआ कि कब कहानी में खींच लिया गया पता ही नहीं लगा। अब देखो ना, तुमसे बात करते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। लगता है काफी बातें हो चुकी हैं अंकल से। एनीवे, नाइस मीटिंग यू, बाय। डू ड्रॉप इन सम टाइम, आई मीन इफ यू फील लाइक। वैसे मैंने कहा मैं आनंद हूँ, इफ यू नीड मी आई एम देयर। मुझे क्षण भर के लिए लगा कि तुम मानव हो। मुझे ऐसे क्यों लगा? मैं क्यों मानव को भुला नहीं सकती? बहुत प्यार करती हूँ मानव से। शादी राजेश से करने वाली हूँ। मुझे पता है कि मेरी माँ की कहानी तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट तुम यहाँ इस हाल में नहीं होती अगर अगर मानव यूं ही चला ना गया होता। लेकिन मैं ये सब क्यों याद कर रही हूँ? मैं बाबा को प्रॉमिस कर चुकी हूँ, मैंने राजेश को भी हाँ कह दिया है, मैंने अंकल को भी कह दिया है कि मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं इन घरों की कहानी में ऐसे अचानक और ऐसे मोड़ पर एंटर हुआ कि एकदम कहानी के अंदर खींच लिया गया। तुमसे बात करते मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। ओ गॉड, ये कौन है, क्यों आया है? बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता तो फिर ये क्यों आया है? दरवाजा बंद करके कपड़े बदला करो, तुम्हारा हॉस्टल नहीं है। जी भैया, मैंने सोचा कि यहाँ ऊपर कौन आता होगा। ये मानव का कमरा है बॉस, सर्वेंट क्वार्टर्स नहीं। सामान ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास? आई ट्रेवल लाइट। हाँ दिख रहा है वो तो। तो यहाँ कैसे आना हुआ? भैया मैं यहाँ एक बार आना चाहता था, देखना चाहता था कि माँ ने कहाँ। खुद का इरादा तो नहीं है ना ऐसा कुछ करने का? सॉरी। इट्स ओके प्रणव भैया, मुझे मालूम है कि साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि सुसाइड कैन बी हेरिडिटरी। साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बुआ को छोड़ के हमारे घर में किसने सुसाइड कमिट नहीं किया? छोड़िए ना भैया, आप भी क्या बात लेके बैठ गए। तो क्या करने आए हो यहाँ पे? कुछ प्लान नहीं करके आया, पर यहाँ रहने वाला हूँ तो जॉब ढूंढूंगा। और क्या करना जानते हैं आप? मैंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है मेरे पास। कहीं अप्लाई किया है? हाँ एक दो जगह एप्लीकेशन डाली हुई है भैया। डिप्लोमा तो बस ऐसे ही कर लिया, पर आगे का प्लान कुछ क्लियर नहीं है सामने। तुम्हें प्लान करने की क्या जरूरत है बताओ? जब यहाँ तक पहुँचो तो यहाँ से भी आगे कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगे। Certainly engineer a way through your problems, can't you? I love this room. यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मुझे एकांत बहुत पसंद है। तुम वाकई बहुत भोले दिखते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, बुआ को तो मैंने कभी देखा नहीं, उनकी तस्वीर भी नहीं देखी कभी। किससे शक्ल मिलती है तुम्हारी, पापा से या मम्मी से? लोग तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपनी माँ की शक्ल हूं। देखते हैं, चलो देखते हैं कि तुम हमारे खानदान से हो या। स्मृति माई स्वीट लविंग वाइफ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो वो हमारा बच्चा है और मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जब वो पैदा हो जाएगा तो मैं तुम दोनों से मिलने आऊंगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि क्यों नहीं आज डॉक्टर से मिलने चलते हैं। क्यों?
परसों ही तो गए थे, अब मुझे अगले हफ्ते जाना है। हाँ पर सोनोग्राफी किस लिए आकाश? अरे कम से कम मैं अपने होने वाले बच्चे की फोटो तो देख लूं। बच्चे की या बेटे की? स्मृति आई वॉन्ट अ सन। आकाश प्लीज स्पीक लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, लड़का जन्ना क्या मेरे हाथों में है? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि पता चल जाएगा लड़का है या लड़की। लड़की हुई तो? कम ऑन स्मृति, डोंट बी सो नेगेटिव। आकाश आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, जैसे तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो मैं भी तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। लड़का नहीं लड़की हुई तो क्या करोगे? क्या करूंगा, 9 महीने तुम्हें भुगतना है, सो एंजॉय। वैसे एक बात बताऊं स्मृति, तुम आजकल बहुत भाव खाने लगे हो। मैं क्या भाव खाऊंगी आकाश, मेरी इंपॉर्टेंस को तो तुमने अभी कह दिया एंजॉय। स्मृति मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुमने जो भी चाहा है जब भी चाहा है मैंने किया है। आज मैं तुमसे सिर्फ सोनोग्राफी करवाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम खामोखा बात का बतंगड़ बना रही हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे लड़का चाहिए। अगर मुझे बच्चों का शौक होता ना तो मैं कब का यहाँ पे नर्सरी खोल के बैठा होता। तुम यही कह रहे हो ना कि अगर लड़का हुआ तो वापस घर आ जाऊं और अगर लड़की हुई तो यही अपनी माँ के घर रह जाऊं। ठीक है, तुम्हें जो भी मतलब निकालना है निकालो। आकाश व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं। यू नो आकाश, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज बीइंग डिसाइडेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, और वाई क्रोमोसोम सिर्फ मर्द में होता है। सो ही ओनली डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। XY means male and XX means female. तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे बायोलॉजी समझा रहे हो? आकाश तुम स्मृति को क्यों ब्लेम कर रहे हो? अब लड़का होगा या लड़की इसे क्या फर्क पड़ता है, बच्चा तो तुम्हारा होगा ना, एंड इट्स फन एनीवेज। रियली आकाश, आई कांट बिलीव दैट यू कैन बी सो बायस्ड। देखो राजेश, ये मेरा पर्सनल मैटर है, अगर मुझे तुम्हारे एडवाइस या कमेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। तुमने स्मृति को कितना हर्ट किया है, You better go and say sorry to her. Smriti meri wife hai. Use kya kehna hai, kya nahi, it's none of your business. Kajal Anand ko bulwa lo, wo phone pe baat kar rahe hain janab, lakhon karodon ki deal ho rahi hai unki. Usse kaho ki khana thanda na kare wo. Main bulati hu. Bahut mehman nawazi ho rahi hai bhai. Tu itna kyun chida hua hai? Wo tera chota bhai hai, manav ki tarah hi hai wo. Exactly. मैं यही जानना चाहता हूँ कि इतना कंपैरिजन क्यों हो रहा है। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है। अच्छा, नो सॉरी, मुझे तो ऐसी लग रहा है। मानव का कमरा भी उसको दे दिया गया, गेस्ट रूम भी तो खुलवा सकती थी आप। गेस्ट रूम में कितना कचरा भरा पड़ा है तुझे पता है? मैं साफ करवा देता। अगर मानव का कमरा उसे दे भी दिया था तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? पापा जी, मैं मानव को यहां पर किसी भी दिन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ईमेल भेज चुका हूं मैं उसको। और क्या लिखा है ईमेल में? ईमेल में मैंने यह लिखा है कि मनीषा उसका वेट कर रही है, मानव अमेरिका से वापस आए, उससे शादी करे, उसके बाद भले ही वापस चला जाए। अगर मुझसे हो सका ना तो उनका टिकट मैं दे दूंगा। एक बार यहां से शादी करके वो चले जाए फिर देखता हूं जवेरी क्या करता है ना। तुम क्या समझते हो, क्या समझते हो तुम कि मानव वहां घूमने गया है? पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मनीषा के लिए मुझे भी बुरा लग रहा है, उसकी शादी तय हो गई, आज आई थी एंगेजमेंट का कार्ड दिखाने के लिए। पापा जी, मनीषा अभी भी मानव को प्यार करती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। फिलहाल वो लड़की क्या कर रही है वो खुद नहीं जानती। तुम जानते हो? वैसे बाय द वे, ये तुम्हें किसने हक दिया है कि उसकी तरफ से कोई भी डिसीजन लो? जबरदस्ती सही, लेकिन मैंने उन दोनों को प्रॉमिस किया था तो शादी तो मैं उनकी करवा के रहूंगा। देखो प्रणव, मैं आनंद को बुलाती हूँ। हाँ, मैं मिस्टर अमरनाथ पांडे से बात कर सकता हूँ? आनंद मलिक। गुड इवनिंग पांडे जी, आनंद मलिक फ्रॉम दिल्ली। हाँ, मैं आज ही पहुंचा। हाँ देखिए, मैंने बात की थी, आपका टेंडर पास हो जाएगा, पर जो मैंने खर्चा बोला था वो देखिए, इसमें CFX अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर रहा है
और उन लोगों को तो आप जानते ही हैं। हाँ कुछ ज़्यादा नहीं, बस कह रहे थे कि फिगर को राउंड ऑफ कर दीजिए। हाँ 5 का फिगर है। देखिए मेरा, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, उसमें मैं फ़र्क करने भी नहीं वाला। हाँ तो ठीक है, फिर कल मिलें। एडवांस की रकम अगर हो सके तो, चेक नहीं कैश। हाँ मैं उन लोगों को अटका दूंगा। ओके या गुड नाइट। आनंद जी, मामी जी, खाना लग गया बेटा। मनीषा, राजेश आया नीचे। अच्छा बाबा पूछ रहे थे एंगेजमेंट पार्टी की, तो तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो किस तरह की पार्टी चाहिए। हमने तो डांडिया थीम डिसाइड किया हुआ है, अब तुम लोगों को कुछ और चाहिए तो बता देना, ठीक है? वैसे भी तो वही सब हो रहा है जो बाबा चाहते हैं। हाय मनीषा। हाय राजेश। हे स्टडिंग, देन आई एम डिस्टर्बिंग यू। नहीं, मुझे कौन सा पढ़ाई करके स्कॉलरशिप जीतनी है। मनीषा यूएस तुम वैसे भी जा सकती हो, यू डोंट नीड अ स्कॉलरशिप। हे आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया, आज का दिन ही कुछ खराब है। क्यों, आज बाबा ने तुम्हारी तारीफ नहीं की? नहीं, मैं आज उनसे मिला ही नहीं। तो यहाँ आते आते किससे टकरा गए? आकाश, योर फ्रेंड, योर बिजनेस पार्टनर। हाँ शायद पार्टनरशिप और दोस्ती मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली है। राजेश, सब जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। यू नो मनीषा, जैसे ही शाम होती है मेरा जी करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे पास रहूं। इनफैक्ट आज तुम्हारे घर पे आने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो आधे रास्ते से गाड़ी घुमाई और यहाँ चला आया। हे यू डोंट माइंड डू यू? राजेश अब इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? बेटर होगा हम जितनी जल्दी एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, हमारी दोस्ती उतनी मजबूत हो जाएगी। सिर्फ दोस्ती? मनीषा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी स्पेस? राजेश ये सबसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इंडिया में रिश्ते सिर्फ रिश्ते होते, दैट्स इट। देयर इज नो सच इंडिविजुअल स्पेस एज सच। मनीषा अगर हम दोनों डिसाइड करें कि हम एक दूसरे को स्पेस देंगे और उस स्पेस को रिस्पेक्ट करेंगे, डोंट यू थिंक इट्स पॉसिबल? पॉसिबल हो भी सकता है राजेश, लेकिन तुम ये क्यों चाहते हो कि हम एक दूसरे को ऐसे प्रॉमिसेस दे जो किसी वजह से कल हम निभा ना पाए? आई मीन लेट्स नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जो मिला वो अच्छा ही लगेगा। तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? ट्रस्ट नहीं करती तो हाँ नहीं कहती। राजेश जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। कौन? आनंद। मनीषा, ये जो म्यूजिक बज रहा है? हाँ मैं ही सुन रहा हूँ।
इट्स ब्यूटीफुल ना? इसे बंद कर दो। क्यों? तुम्हारे यहां तक आवाज आ रही तो मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ। आनंद, जस्ट पुट दैट कैसेट ऑफ। तुम उसे नहीं बजाओगे, ये मानव का है। हाँ, पर ये कैसेट मैंने मानव को गिफ्ट किया था और तुम इसे नहीं बजाओगे। प्लीज़।